करंटली इंडिया के स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो आने वाला एक हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर मैं स्पेसिफिक सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर आप मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन आखिर मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों है और आप कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर आपको अभी मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का रीजन नंबर वन ये है कि करंटली स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है और अगर आप लोग करंटली मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि वॉरेन बफेट भी हमेशा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम वही होता है जब कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरती है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि मोनोपोली कंपनीज के पास एक मोट होता है, मतलब मोनोपोली कंपनीज के पास एक यूनिकनेस होती है बिजनेस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोनोपोली कंपनीज के पास एक ऐसी चीज होती है जो कोई ना कॉपी कर सकता है ना उस चीज को लेकर कोई कंपटीशन कर सकता है, मतलब कुछ सर्टेन चीजें जो इन मोनोपोली कंपनीज के पास ही होती है। देखो मार्केट में ना मोनोपोली कंपनीज के सामने कोई टिक नहीं सकता है, मतलब कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मोनोपोली कंपनी है उनके साथ कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो। और इसके बाद अगर आप मोनोपोली कंपनीज के पास रिजल्ट्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। तो इन चार रीजन की वजह से आपको भी मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आई गेस आपको ये तो पता चल गया है कि मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी मोनोपोली कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। मोनोपोली सेक्टर की सबसे पहली कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है IRCTC। IRCTC के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी है, लेकिन अगर आप IRCTC के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं अभी आपको यहां पर प्रॉफिट है, क्योंकि IRCTC का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा यूनिक है और रेलवे के सेक्टर में और कोई कंपनीज नहीं है। रेलवे का सारा मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, रेलवे डिपार्टमेंट करता है तब यहाँ, और इसीलिए अगर आप IRCTC के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है पेडीलाइट। पेडीलाइट बेसिकली फेविकॉल और फेविकॉल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, और अगर आप मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी का कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा नहीं है, और मार्केट में अगर कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं भी तो इतने ज्यादा लेवल पर नहीं है और इस कंपनी को कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं पेडीलाइट के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो यहाँ पर इसका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा यूनिक है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कंपनी के फंडामेंटल्स हैं और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना है। अब तीसरी कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है IEX की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में बूम आने की वजह से इस कंपनी के शेयर्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी, और जैसे सिलिकॉन वैली बैंक के क्रैश की खबर मार्केट में आई वैसे ही इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्राइस का लेवल क्या है और आपको यहाँ पर डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं और मार्केट कंडीशन की वजह से ही कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरी हुई है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगली कंपनी आपके लिए है CDSL की। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, लेकिन आपके जो शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास होते हैं और इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, NSE के लिए NSDL है और BSE के लिए CDSL है। लेकिन NSDL के शेयर्स मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं और मार्केट में सिर्फ और सिर्फ CDSL के शेयर्स ही लिस्टेड हैं। अगर आप CDSL के शेयर्स की प्राइस को कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और अगर आप लोग CDSL के शेयर्स की प्राइस को अभी देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और करंटली अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में आपको रिटर्न अच्छे कमाने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उसी तरीके से नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स भी बढ़ेंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट बढ़ने की वजह से CDSL के शेयर्स में भी ग्रोथ आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट CDSL को होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी। और आज की वीडियो की लास्ट कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो है ITC। अगर आप ITC के शेयर्स को देखेंगे तो ITC के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा बूम आया है पिछले 6 महीनों में। वहीं पर अगर एक हफ्ते के ग्राफ को देखेंगे तो एक हफ्ते में ITC के शेयर्स की प्राइस गिर चुकी है, और पिछले एक साल में ITC ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए थे। कंपनी के शेयर्स की प्राइस 200 रुपए से लेकर 350 रुपए तक ग्रो कर चुकी थी, और करंटली अगर आप कंपनी के शेयर्स की प्राइस को एक हफ्ते के ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दिखाई दिया है। देखो इंडिया के स्टॉक मार्केट में ITC एक ऐसी कंपनी है जिसकी ग्रोथ डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से यहाँ पर ग्रोथ दिखाई नहीं देती है,
क्योंकि कंपनी का जो ज्यादातर प्रॉफिट है वो कंपनी के सिगरेट बिजनेस से आता है। यहाँ पर सिगरेट बिजनेस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इसी की वजह से आईटीसी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कभी कम होते हैं तो कभी थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली आपको इन 5 कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।